हेलो एवरीवन, दिस इज रुस्तम खान फ्रॉम इंटीग्रल क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। तो कोई भी एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स के अंदर अट्रैक्ट करती है किसी भी दूसरी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो जो भी ये दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो भी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है उसका जो इनवर्सली स्क्वायर करेंगे वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और इनके मासेस m1 और m2 हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ पर जो m1 और m2 का प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r उसका स्क्वायर करेंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इट मीन्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². सो गाइज, अगर हम इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं तो ये होता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 × m2/r². और गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कभी भी अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। सेम एज जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा f = g × m1 × m2/r², जहाँ पर g डिनोट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को और इसकी वैल्यू होती है 6.7 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². तो गाइज, आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इससे बेस्ड रूमेरिकल्स तो आते ही हैं, साथ में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हाउ विल द फोर्स चेंज इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो फोर्स किस तरह से चेंज होगा अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाएगा। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम यहाँ पर r की जगह पर 2r पुट करते हैं तो उसका होल स्क्वायर करने के बाद वो 4 बन जाएगा और बाकी 1/r² यहाँ पर पहले भी प्रेजेंट था और इसके साथ 1/4 आ गया, तो इट मीन्स वो अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाएगा। सेम एज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, हाउ विल द फोर्स चेंज इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो फोर्स किस तरह से चेंज होगा अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं। तो इसका आंसर है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 times। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी इनिशियल वैल्यू का 4 times हो जाएगा। और इसको एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से किया जाता है, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम r को हाफ कर देते हैं तो ये r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा r² / 4। और जब अपॉन के अपॉन में वैल्यू होती है तो वो वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो ये आएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 4/r² जो कि 4 times है अपनी इनिशियल वैल्यू के। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें।